गया। जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमको आंसर करने आना चाहिए वो है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो हमने कहा सबसे पहली चीज कि वोटर्स को हेल्प करेगा वो लीडर्स चूज करने के लिए जो उनके लिए लॉज बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड, वो उस बंदी को करेक्ट चूज करेंगे जो गवर्नमेंट बनाएंगे। तो पहले क्या बनाएंगे, पीपल हु वुड मेक लॉज फॉर देम। सेकेंड, पीपल हु वुड फॉर्म गवर्नमेंट एंड टेक डिसीजन। थर्ड, वो किस चीज को चूज करेंगे, पार्टी को जिसकी पॉलिसीज गवर्नमेंट को क्या करेगी, गाइड करेगी, और लॉ मेकिंग को क्या करेगी, गाइड करेगी। तो पहली दो पॉइंट में हम लोग को पीपल जो लॉ बनाएंगे, पीपल जो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और डिसीजन लेंगे। थर्ड पॉइंट में पार्टी चूज करेंगे जिसकी पॉलिसीज गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग को गाइड करेगी। और इंडिया जैसी कंट्री जहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां आप हर एक बंदे को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे। क्या लेंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये हम लोग किसकी हेल्प से लेंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग इलेक्शन की हेल्प से लेंगे। तो इलेक्शन होता क्या है, तो हमने कहा इट्स अ मैकेनिज्म। व्हाट्स एन इलेक्शन, इट्स अ मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म है, पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो एक मैकेनिज्म है जिससे पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। कैसे, एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ दे विश टू। तो इलेक्शन क्या है, मैकेनिज्म है। पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करेंगे, चूज करेंगे। कब करेंगे, रेगुलर इंटरवल पे, और चाहे तो उनको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। आप कैसे मानोगे कि क्या है इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, तो हमने कहा हर बंदे के पास क्या होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एवरी पर्सन शुड बी एबल टू चूज। सेकेंड, देर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। व्हेन आई से देर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, मतलब हर बंदे के, हर कैंडिडेट के पास राइट होना चाहिए टू कंटेस्ट इलेक्शन। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफ ऑर्डर एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब जो इलेक्शन है वो हर 5 साल में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी इलेक्शंस रख रहे हो, कभी इलेक्शंस नहीं रख रहे हो। फोर्थ, कैंडिडेट चूजन बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अगर मैंने किसी बंदे को वोट दिए हैं तो इलेक्शन इतने फ्री और फेयर होने चाहिए कि उसका इलेक्शन में हो जाए। ऐसा नहीं हो कि चीटिंग हो और जिस बंदे को मैंने वोट दिया उसके पास पावर ना आए। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ इलेक्शन। तो सबसे पहले है, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म मतलब क्या होती है, गुटबाजी। कि इलेक्शन है ना, तो भले वो बंदा अच्छा है या ना है, पर वो क्योंकि उस ग्रुप को बिलोंग करता है जिसको मैं पसंद करती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, उस ग्रुप को ही फेवर करूंगी, मैं बायस हो जाऊंगी उस ग्रुप की तरफ, ठीक है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स लेवल एलिगेशन अगेंस्ट ईच अदर। जब पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं समझ में आता है कैंडिडेट कि हमको कम्पीट कैसे करना है, तो वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं कि आप इसलिए गलत हो, आपने ये करप्शन किया, आपने ये चोरी करी। थर्ड, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। तो बहुत सारी गलत ट्रिक्स वो यूज करते हैं, चीटिंग करते हैं, ताकि वो इलेक्शन क्या करें, जीत जाए। थर्ड, द प्रेशर टू विन द इलेक्शन डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। क्योंकि आपको इलेक्शन जीतना है, तो आप फट से क्या करोगे, 2 महीने में मेट्रो का ट्रायल रन करवा दोगे, आप 3 महीने में कोई ऐसी चीज कर दोगे जिससे क्या हो जाए, लोग क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। अब इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन नहीं पाती है। और क्योंकि ये सारी डीमेरिट्स है, तो ऐसे कुछ अच्छे लोग जिनकी इच्छा है कि हम कंट्री को क्या करें, सर्व करें, तो उनको इस अनहेल्दी कॉम्पिटिशन का पार्ट बनना पसंद नहीं है, और इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर। लेकिन तो भी क्या इलेक्शंस अच्छे हैं, हाँ इलेक्शंस की क्या है, अपनी मेरिट्स भी है। क्या क्या मेरिट्स है, जब रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन होते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज और वो लीडर्स जो एक्चुअली काम करते हैं उनको क्या मिलते हैं, रिवॉर्ड। किस तरीके का रिवॉर्ड मिलता है, वो फिर से इलेक्ट हो जाते हैं। तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि अगर वो डिमांड्स रेस करेंगे जो लोग चाहते हैं कि रेस हो, तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो उनके चांसेस ऑफ विनिंग द इलेक्शंस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सेकेंड, उनको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि अगर आप वोटर्स को सेटिस्फाई करोगे तो ही आप फिर से इलेक्शन जीत सकते हो, अगर आपने वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं करा तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो ऐसे में किसी पार्टी या किसी लीडर को सिर्फ पावर में ही रहना है तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, लोगों को सर्व करना पड़ेगा, अगर नेक्स्ट टाइम उनको क्या करना है, इलेक्शन जीतने। हाउ कैन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इलेक्शन बी रिड्यूस। अगर इलेक्शन इतने ही, इस पर मेरिट्स भी हैं डीमेरिट्स भी हैं, तो डीमेरिट्स को कैसे कम करें, तो पहला संतो वाला सोल्यूशन, वन कैन ट्राई टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। की जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनका नॉलेज और कैरेक्टर हम लोग को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए।
दूसरा, हमको एक सिस्टम सेटअप करना चाहिए जहां पर हम उन लीडर्स को अवॉर्ड करें जो लोगों को सर्व कर रहे हैं, और उन लोगों को पनिश करें जो लोगों को सर्व नहीं करे। और ये काम किसकी वजह से, किसकी हेल्प से हो जाता है? इलेक्टोरल कंपटीशन की हेल्प से हो जाता है। नेक्स्ट, जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं? जो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेम टाइम पे होंगे, या तो सेम दिन में या फिर उन्हीं कुछ दिन के बीच में। बाय इलेक्शंस क्या होते हैं? जब कोई सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी की खाली हो जाती है ड्यू टू डेथ या रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, तो उस टाइम क्या होते हैं? उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो इलेक्शन होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बाय इलेक्शंस कहते हैं। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? तो हमने कहा एक जो कंट्री रहती है वो इलेक्शन के पर्पस में छोटे छोटे क्या होते हैं? डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक डिविजन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो उस एरिया के, उस ज्योग्राफिक रीजन के लोग जो रहते हैं वो वहां के रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। एग्जाम और वन मार्कर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? 543, ठीक है ना? और हर स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो बंदा इलेक्ट होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? एमएलए, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर विलेज और टाउन भी छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइडेड है, और हर वार्ड से एक बंदा क्या होता है? इलेक्ट होता है, जो उस वार्ड का क्या होता है? हेड होता है। फिर क्वेश्चन आता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? तो हमने कह रहा है कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं उनके लिए। कौन वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी? एससीज और एसटीज, उनके लिए हम लोगों ने क्या करके रखी है? कुछ सीट्स रिजर्व करके रखी है। हमारे यहाँ 79 सीट्स रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, 41 सीट्स रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है? और ओबीसी के लिए भी सीट्स क्या है? रिजर्व है पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटी में और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ठीक है? और 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व है? विमेन के लिए अर्बन लोकल बॉडी में। क्या जरूरत पड़ जाती है सीट्स रिजर्व करने के लिए? तो हमको लगता है अगर रिजर्वेशन नहीं हुई तो ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, तो जो वीकर सेक्शंस हैं उनके पास उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी कि वो इलेक्शन जीत जाए जितने स्ट्रॉन्गर सेक्शंस होते हैं। क्यों? उनके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं होंगे, उनके पास रिक्वायर्ड एजुकेशन नहीं होगी, उनके पास रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे जिससे वो क्या करें? इलेक्शन कंटेस्ट करें और इलेक्शंस जीत जाए। ऐसे में जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल है, वो क्या हो जाएंगे? उनको इलेक्शन जीतने नहीं देंगे, जिस वजह से इलेक्शंस लेस रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगी। और इसी चीज को रोकने के लिए या बचाने के लिए हम लोगों ने क्या करके रखी? कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व करके रखी है। नेक्स्ट, वोटर लिस्ट क्या होती है? हर बंदा जो एलिजिबल फॉर वोट है उसकी एक लिस्ट बनती है। ये लिस्ट को हम लोग ऑफिशियली बोलते हैं इलेक्टोरल रोल, ROLL, और कॉमनली क्या कहते हैं? वोटर्स लिस्ट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? हर बंदा जो 18 या 18 साल के ऊपर है वो इलेक्शन में क्या कर सकता है? वोट कर सकता है, इररिस्पेक्टिव कि उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है या उसका जेंडर क्या है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ईपीआईसी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? वोटर कार्ड। तो जो वोटर्स रहते हैं जब वो वोट देने के लिए जाते हैं तो उन्हें ये अपना वोटर आईडी कार्ड कैरी करना पड़ता है। पार्टी टिकट क्या होता है? हर पार्टी अपने यहाँ से क्या करेगी? कैंडिडेट नॉमिनेट करेगी कि हमारी पार्टी से इस वार्ड में या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बंदा खड़ा होगा। इसको एक सिंबल मिलेगा और पार्टी का क्या मिलेगा? सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये जो पार्टी का नॉमिनेशन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टी टिकट। अगर किसी को खुद से फाइल करना है अपना नॉमिनेशन, तो अगर आपको इलेक्शन में खड़े होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और एक फीस देनी रहेगी जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। हर वो कैंडिडेट जो क्या कर रहा है इलेक्शन के लिए खुद को नॉमिनेट कर रहा है, उसको अपनी प्रॉपर्टी का, अपने अगेंस्ट पेंडिंग क्रिमिनल केसेस का, अपनी एसेट्स का, अपनी लाइबिलिटीज का, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पूरा की पूरा इंफॉर्मेशन एक डिक्लेरेशन के फॉर्म में देना रहेगा, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल हो, और फिर उसका नॉमिनेशन क्या होगा? कंप्लीट होगा। व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन? इलेक्शन कैंपेन क्या होता है कि एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए, ठीक है, कैंडिडेट्स अनाउंस हो गए, पोलिंग डेट्स आ गई, तो कैंडिडेट क्या करेंगे? अपने वोटर्स को कांटेक्ट करेंगे,
पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्शन मीटिंग्स को एड्रेस करेंगे, अपने सपोर्टर्स को बोलेंगे हमको सपोर्ट करो, तो वो पब्लिक अटेंशन गेन करते हैं, बड़े बड़े इश्यूज उठाते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर आप हमारी पार्टी को वोट करोगे तो हम ये सारे इश्यूज क्या करेंगे, एड्रेस कर देंगे। तो वो टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, जितने भी मीडिया है उनको यूज करेंगे, सक्सेसफुल स्लोगन्स देंगे, जिससे क्या हो, वो वोटर्स को कन्विंस करें कि आप वोटर्स क्या करें, इनकी पार्टी को वोट दें। बहुत सारे फेमस स्लोगन्स कौन कौन से, जैसे कांग्रेस ने दिया था 1971 में, गरीबी हटाओ कि हम गरीबी हटा देंगे। बीजेपी ने दिया था सेव डेमोक्रेसी 1971 में। लेफ्ट फ्रंट ने दिया था लैंड टू द टिलर, हर वो बंदा जो किसके पास खुद की लैंड नहीं है लेकिन वो फार्मर है, हम उसको उसका लैंड देंगे। तेलुगु देशम पार्टी का था कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस, 1988 में टी एन रामा राव, एनटी रामा राव ने दिया था। ठीक है, अब इलेक्शन लॉ कैसे इंश्योर करता है कि हर एक कैंडिडेट के पास क्या रहे, फेयर और इक्वल चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शन रहे। तो इलेक्शन लॉ बोलता है कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट वोटर्स को ब्राइब नहीं कर सकती, उनको कास्ट और रिलीजन के नाम पे अपील नहीं कर सकती। इलेक्शन कैंपेनिंग में लोकसभा इलेक्शन में 25 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं करेगी, असेंबली इलेक्शन में 10 लाख से ज्यादा इलेक्शन नहीं का खर्चा नहीं करेगी, और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज नहीं करेगी फॉर इलेक्शन। और इसीलिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनता है जो ये सारी चीजों को क्या करता है, चेक करता है, और वो एक इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रोवाइड करता है। क्या होता है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, तो बोलते हैं कि कोई भी कैंडिडेट कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप यूज नहीं करेगा अपने प्रोपेगेंडा के लिए, कि आप मंदिर मस्जिद पे जाके क्या नहीं कर सकते, प्रमोशन नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट के व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट यूज नहीं करोगे। एक बार इलेक्शन हो गए, अनाउंस हो गए, तो आप कोई भी नए प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन नहीं रखोगे और कोई भी नया पब्लिक यूटिलिटी लोगों से प्रॉमिस नहीं करोगे। नेक्स्ट, बैलेट पेपर क्या होता है, एक छोटा सा पेपर होता है, आजकल यूज नहीं होता है, जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनका नाम लिखे हुए रहते हैं उस पेपर पे, पार्टी का नाम लिखा होता है, उसका सिंबल भी बना हुआ रहता है। तो पहले क्या होता था, उस नाम और सिंबल के आगे आपको अपना स्टैम्प लगाना होता था, उसको फोल्ड करना होता था और बॉक्स में डालना होता था, तो आपका वोट कास्ट होता। अभी इसकी जगह क्या आ गई है, ईवीएम्स। ईवीएम्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती है। तो जो भी बंदे कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, उनका नाम, उनकी पार्टी का सिंबल और उसके आगे एक बटन दिया हुआ रहता है। तो अगर आपको उनको क्या करना है, वोट करना है, तो आपको बटन को क्या करना होता है, प्रेस करना होता है, आपका वोट कास्ट हो जाता है। जैसे ही कास्टिंग हो जाती है वैसे ही सारी ईवीएम्स को क्या करते हैं, एक सेफ जगह पे लेके जाते हैं ताकि काउंटिंग ऑफ वोट्स हो पाए और रिजल्ट्स डिक्लेयर हो पाए। अब इलेक्शन के टाइम पे क्या क्या अनफेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस होती है, तो हम लोगों ने बोला पहली बात तो इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम, जो जेन्युइन नेम होते हैं उनको हटा देते हैं और उनकी जगह क्या ले आते हैं, झूठ मूठ के नाम ले आते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट फैसिलिटीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो रहते हैं उनका मिसयूज होता है रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से सारा काम करवा देती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स से। बहुत सारे जो अमीर कैंडिडेट्स होते हैं या बड़ी पार्टी होती है वो क्या करती है, बहुत ज्यादा पैसा यूज करती है और वोटर्स को डराते हैं पोलिंग बूथ पे कि इसको वोट दो नहीं तो मार देंगे। हाँ, ऐसा होता था पहले, अब नहीं होता है। शॉर्ट नोट ऑन इलेक्शन कमीशन, हमारी कंट्री में ये जो पूरी प्रोसेस है इलेक्शन अनाउंस करने से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक एक इंडिपेंडेंट बॉडी करती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, लेकिन वो प्रेसिडेंट को भी जवाब नहीं देता। तो अगर गवर्नमेंट को नहीं भी समझ में आ रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है तो भी वो इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, फंक्शंस क्या है इसके पास और पावर क्या है इसके पास, तो पहली बात, इलेक्शन अनाउंस होने से लेके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी कौन देखेगा, इलेक्शन कमीशन देखता है। वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो हमने ऊपर पढ़ा था वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। कोई भी कैंडिडेट या पार्टी जो उस इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को क्या नहीं करेगी, फॉलो नहीं करेगी, वो चाहे तो उसको पनिशमेंट भी दे सकता है। इलेक्शन के टाइम पे वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को ही बोल सकता है कि आप ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे, आप अपना पावर जो है वो मिसयूज कर रहे हो, तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम पे अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो किसके अंडर काम करेंगे, रूलिंग पार्टी के अंडर काम नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करेंगे।
और कभी भी इलेक्शन के ऑफिशियल्स को लगा, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को, कि पोलिंग सही से नहीं हुई है, चीटिंग हुई है, तो वो एक रीपोल ऑर्डर कर सकते हैं कि अब सारे इलेक्शंस क्या होंगे, फिर से होंगे। इतनी सारी सिक्योरिटी रखने के बाद भी अगर कुछ गड़बड़ होती है तो क्या गारंटी है कि आपके देश में इलेक्शंस जो हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं? तो बोला कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कितनी सक्सेसफुल है, उसका पहला जो एविडेंस है वो है टर्नआउट फिगर्स। टर्नआउट फिगर्स क्या होते हैं कि टोटल एलिजिबल वोटर्स में से कितने लोगों ने वोट करे हैं। तो ओवर द इयर्स देखा गया है कि टर्नआउट फिगर्स या तो ओवर द इयर्स बढ़ रहे हैं, मतलब पहले से ज्यादा ही लोग ही वोट कर रहे हैं, या फिर उतने ही कर रहे हैं पर कम नहीं हुए। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में पुअर, इलिटरेट, अंडर प्रिविलेज लोग जो है वो ज्यादा वोट करते हैं इन कंपेरिजन टू रिच एंड प्रिविलेज। और आजकल कॉमन पीपल जो है वो इलेक्शंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मतलब उनकी जो अवेयरनेस लेवल है रिगार्डिंग इलेक्शंस वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। इससे पता चलता है क्या कि हमारे यहाँ इलेक्शन सही से होते हो, और हमारे यहाँ आउटकम फेयर कैसे, ये कैसे पता चलेगा? तो हमने कहा ऐसा नहीं होता है कि हर बार 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 एक ही पार्टी इलेक्शन जीत रही है, जैसे बहुत सारे दूसरे देशों में होता है। हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी जो होती है वो बहुत बार इलेक्शन हारती भी है, और 3 में से 2 MPs, MLAs जो है उनको अपनी सीट क्या करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। इंडिया हाफ ऑफ द सिटिंग MPs, MLAs लूज इलेक्शंस, और कैंडिडेट जो वोटर को ब्राइब कर रहे हैं या जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है वो भी क्या करते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं। यानी कि मनी और मसल पावर उतना यूज नहीं हो रहा, या अगर यूज हो भी रहा है तो उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा। फिर भी अगर कुछ गड़बड़ है तो आज भी इंडिया में कुछ चैलेंजेस हैं किसके अगेंस्ट, फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए। पहली बात, बहुत सारी कैंडिडेट्स और बहुत सारी पार्टीज बहुत सारा पैसा लगाते हैं इलेक्शन, जिससे उनको फायदा मिलता है किनके अगेंस्ट, छोटी पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के अगेंस्ट। और कैंडिडेट्स जिनके इतने सारे क्रिमिनल कनेक्शन है उनको भी क्या होता है, मेजर पार्टीज टिकट दे देती है। ये पहला प्रॉब्लम है जिसको हम लोग कहते हैं मनी एंड मसल पावर। दूसरा प्रॉब्लम है डायनेस्टिक सक्सेशन। बहुत सारी फैमिली है जो सालों साल से क्या कर रही है, पॉलिटिक्स डोमिनेट करके बैठी है, वो फैमिलीज कुर्सी छोड़ने को तैयार है ही नहीं। थर्ड, कभी कभी जो इलेक्शंस होते हैं वो वोटर्स को बहुत अच्छी चॉइस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि क्या, दोनों पार्टीज है सेम प्रोमिसेस कर रही है, दोनों कैंडिडेट्स से दोनों बोल रहे हैं करप्शन हटाएंगे, तो हमें लगता है दोनों पार्टीज क्या है, मोर और लेस सेम ही है, तो किसको वोट करें, वोटर इनडिफरेंट हो जाता है। आई बात समझ में? और बिगर पार्टीज हमेशा क्या करती है, छोटी पार्टीज को डोमिनेट करती है। विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर।